मेरे अजीजों, अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद करीब आ रही है। छोड़ दो अपने घरों में कुछ गाने बजाने तमाशों को, बंद करो, अपने नबी को अजियत देने वाले काम कम करो। अब तो हाल यह हो गया कि मैं ये बातें इसलिए अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, दिल दुखता है, दिल कभी दर्द करता है। उस नबी को हमने कब राहत पहुंचाई? उस नबी ने तो फरमाया था, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, वो दे नहीं सके। दुरूद से मेरे आका की खुशी थी, वो दे नहीं सके। मीलाद के नाम पर जमा तो होते हैं, लेकिन हैरत ये होती है कि उसमें भी डीजे बाजे पर नाच गानों के अलावा कुछ नहीं करते। यानी अपने नबी को सताने का कब तक तुम अज्म लेकर के चलोगे? क्या अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी जिंदगी अल्लाह ने दी है? मैं इसलिए दावत फिक्र देता हूं गयूर मुसलमानों को, ये तुम्हारे अखलाक नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने नाचने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें अपने नबी के लिए बनाया है। तुम अपने नबी की अमानत हो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हमारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत है।